संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लकड़बग्घा यानी हायना के एनक्लोजर के पास चलेंगे। ये मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका के घास के मैदान, रेगिस्तान, जंगलों और पहाड़ों में पाए जाते हैं। ये भारत के जंगलों में भी मिलते हैं। लकड़बग्घा ज्यादातर परिजीवी और मांसाहारी जानवर होते हैं जो होनिंडे परिवार के सदस्य हैं। शक्तिशाली जबड़ा, मजबूत अगली टांगे और नुकीले दांत होने के बावजूद ये बड़ा शिकार नहीं करते हैं, बल्कि ये किसी दूसरे शिकारी जानवर द्वारा मारे गए जीव को खाते हैं। लेकिन कभी कभी ये बीमार और जख्मी छोटे जानवर का शिकार भी कर लेते हैं। लकड़बग्घों के आगे के दो पैर पीछे के दोनों पैरों से बड़े होते हैं, जिसका असर इनके चाल पर भी पड़ता है। इनको चलते हुए देखने पर ऐसा लगता है मानो ये लंगड़ा कर चल रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इनके दौड़ने की रफ्तार काफी तेज होती है। सामान्य तौर पर लकड़बग्घा के शरीर के बालों का रंग भूरा होता है। धारीदार लकड़बग्घा के हल्के काले रंग की धारियां भी होती हैं और धब्बेदार लकड़बग्घा के शरीर पर काले रंग के धब्बे होते हैं। यह प्रायः समूह में रहना पसंद करते हैं। मादा लकड़बग्घा 2 से 3 वर्षों में बच्चे पैदा करने योग्य हो जाती है और करीब 3 महीने की गर्भावस्था के बाद मादा लकड़बग्घा एक बार में 2 से 4 शावकों को जन्म देती है। नर लकड़बग्घे का वजन 26 से 41 किलोग्राम का होता है, जबकि मादा लकड़बग्घे का वजन 26 से 34 किलोग्राम का होता है। एक स्वस्थ लकड़बग्घे का जीवन काल 20 से 25 सालों की होती है और इसकी ऊंचाई 66 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक होती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।